हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हैं हम सिटी ऑफ लेक्स में, जो कि है उदयपुर, और हम आए हैं यहाँ पे लोकल राजस्थानी थाली खाने। और हम आए हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट पे, जो कि काफ़ी फेमस है। और फूड इसका हमने सुना है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेरी जो एक फ्रेंड है श्रुति, उसके भैया भाभी ने बताया, जो कि लोकल ही है, कि यहाँ पे आपको फूड बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आपको क्या क्या वहाँ पे बैठने की जगह मिलती है, किस तरीके का फूड मिलता है और फूड कैसा है। चलिए चलें। चटनी, अमचूर चटनी, लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, मूंग का लड्डू, बेसन की चक्की, ये स्वीट की दाल, ये हो गई बेसन गट्टे की सब्जी, फिर ये हो गई कढ़ी, और ये हो गई उड़द की दाल जो आपको बाटी के साथ। जोधपुर की डेली कैसी है, गेहूं के आटे से सब्जी बनती है, 5 घंटे लगता है इस सब्जी को बनाने में। फिर ये हो गई जैसलमेर की डेली कैसी है, हर्बल सब्जी, केर सांगरी। सांगरी अच्छा जी, ये मेरी फेवरेट है। अब इसका पूरी का खाने का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट बाइट में स्टार्ट करना चने की दाल के साथ, अब सेकंड बाइट में खाना आमचूर की चटनी के साथ में, कैसा है। अब थर्ड बाइट में खाना गड्ढे की सब्जी के साथ। मेरी फेवरेट। तो ये कितनी देर में बनती है? इसको बाटी को बनने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक बाटी को जी। ये कितने किलो की होती है? ये लगभग 3.5 से 4 किलो। तो फाइनली हम आ चुके हैं बाहर ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट से। खाना वॉज यमी, एंड अगर आपको फूड पसंद है, अगर आपको खाना पसंद है, और अगर आपको राजस्थानी थाली पसंद है, राजस्थानी फूड पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद है, एज वेल एज जो यहाँ पे आपको सर्विस दे रहे हैं ना, वो भी लोग काफ़ी अच्छे हैं, और आपको ये भी बताएंगे कौन सी सब्जी कितने टाइम में बनती है और किसको किसके साथ खाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उदयपुर आए हैं, तो आप ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। शाम के वक्त ये बाहर भी लगाते हैं, अभी अंदर के वक्त अभी 2 बज रहे हैं। तो ये बता रहे थे कि अगर आप शाम को आएंगे तो ये आपको बाहर की तरफ मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, एंड एंजॉय कर सकते हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली एंड फूड। चलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स में और देखते हैं कि आपको और क्या क्या फूड या स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट्स में क्या क्या खाना मिलता है डिफरेंट डिफरेंट जगह। बाय बाय एंड टेक केयर।